सो गुड मॉर्निंग हंटर्स फैमिली, कैसे हो यार आप सब? आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने हमारा पूरी का डे वन वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, तो ये अपना है डे 2 और हम उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे में मिलन भी है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, चाय या कॉफ़ी जो भी मिलता है बीच के पास पियेंगे। पीने के बाद जाएंगे बढ़िया सा प्लेस चिल्का लेक, क्योंकि चिल्का लेक के टाइम में जाएंगे बहुत ही सुंदर दिखेगा वहाँ का व्यू। तो हम लोग ट्राई करेंगे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको वहाँ के व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो मिलन चलते हैं, चलो मेरा भरा हुआ है। गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा लोकेशन है। अभी तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं और यह रास्ता है, यहीं से सीधा जाना है। और इस तरफ भी आप देख सकते हो जंगल है। तो अभी फिलहाल हम सीधा चलते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को देखने को। तो चलिए तो आप देख सकते हो यार, चिल्का भी जाने वाले थे पर यहीं अपना पोपट हो चुका है और बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये जो आप सामने में आप देख सकते हो ये भी एक चिल्का का ही पार्ट है, पर ये सामने पोर्शन है। हम लोग को कहीं और जाना था और 10-15 किलोमीटर ही बाकी है। अगर बारिश बंद हो गया तो हम आगे जाएंगे, वरना हमें वापस ही जाना होगा, कि एक लोकेशन के चक्कर में बाकी का हम लोग प्लान फ्लॉप नहीं कर सकते। देखते हैं गाइस क्या होता है, आपको अपडेट देते रहेंगे हम लोग। तो वीडियो में बने रहो। तो गाइस हम लोग चिल्का लेक गए थे और चिल्का लेक में क्या एंजॉय हुआ आप लोग देख ही होंगे। झूठ बोल रहा है, मूड पूरा ऑफ हो गया यार। वहाँ इतना बारिश हो रहा था पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि सुबह गाइस आप देख सकते हो ये है जगन्नाथ मंदिर। हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यार अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं बोला था कि अभी वापस आए, बारिश हो रहा था, कुछ कर नहीं पाए, तो सोचा था बाहर जाते हैं कुछ व्लॉग शूट कर लेते हैं ताकि आप लोग रात का भी अच्छे से दिखाए। भैया और मत बोलो, टोटली मूड
ऑफ हो गया था अपना। हुआ ये था कि हम लोग के गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो मैं और मिलन पेट्रोल सोचे पेट्रोल भी भरा लेते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर का दूर था मिलन पेट्रोल पंप? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का दूरी था ये, मैंने इस साइड में। तो पेट्रोल भराने गए थे हम लोग, और जब मिलन पेट्रोल भरा के निकल चुका था, वो आगे चल गया था, मैं पीछे में था इसका पेट्रोल भरा रहा था। जैसे मैं पेट्रोल भरा के आगे ही बढ़ा रहा था, पीछे से एक भैया का आवाज़ आता है, भाई सुन देख टायर में क्या है। मैं टायर में देखा तो कील घुसा था, किसका? मेरा बैक टायर में। तो मैं बोला यार सेकंड दिन ही ऐसा बना तो ये हो गया, क्या करे, दिन पूरा दिन ख़राब जा रहा था, कुछ करने का नहीं था, क्या करे। तो फिर मैं मिलन को बोला भाई पंचर है, दिखा देते हैं, कोई कर दिया तो अच्छा बात है। तो हम लोग वहाँ ढूंढे आगे पीछे, एक दुकान में खड़े हुए, वो बोलते कि पंचर हम लोग बनाते नहीं, वहाँ जाओ दूसरी जगह। फिर रोड क्रॉस करके उधर गए तो देखे इतना बड़ा खीला था, खीला भी नहीं था कुछ और, मैंने था क्या था पता नहीं, हमें लोहा का कुछ था वो घुसा था। तो फिर वहाँ पंचर बनाया, अपन को ये रिलीफ मिला कि चलो यार आज ही मिल गया है, दूसरा दिन का कोई तकलीफ नहीं होगा क्योंकि हमने वापस भी जाना है। तो पंचर बनाया, तो मिलन को मैं पूछा भाई हवा भरना है तू भी भर ले, तो बोला भाई मैं भी भर ही लेता हूँ। तो पहले तो मिलन ये चेक किया अपना कि भाई मेरा तो पंचर नहीं है, वो सोचा वो देखा उसको लगा नहीं है। फिर मिलन हवा भराया, अचानक से हमें एक आवाज़ आता है ऐसा करके, तो मैं अपना पीछे देखता हूँ यार कहीं ये तो नहीं निकल गया मेरे टायर का, तो नहीं देख रहा हूँ मिलन का आगे चक्राल से ऐसा करके आवाज़ आ रहा है। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे मत बोलो। और रात का कितना बजा था भाई, अभी आधा कितना घंटा हुआ, हम लोग 1 घंटा पहले आया रूम, 1 घंटा पहले वही 7:30 8 बजे के टाइम। तो 7:30 8 बज रहा था, तो भैया बोले कि या इतना लेट हो गया है, 9 बजे तो बंद हो जाता है, अंधेरा भी है, मैं हवा भर देता हूँ, तुम लोग कल आओ, कल आके कर लो। तो मैं बोला ठीक है भैया। तो फिर हम लोग गए गाड़ी लेके हवा भर के आ गए, ठीक है हवा भर। तो भैया बोले कि तुम लोग कहाँ जाओगे अभी? तो हमने कहा कि भैया हम लोग मंदिर ही जाएंगे। तो वो बोले कि ठीक है तुम लोग गाड़ी रखो, एक गाड़ी में चल जाओ मंदिर में दर्शन करके आ जाओ वापस, तब तक मैं गाड़ी में तभी हवा भर देता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर मिलन का गाड़ी वहीं लॉक कर दिए, मेरे बाइक में जाके वहाँ बाइक रख कर दर्शन कर लिए। और प्रॉब्लम ये था कि दर्शन में हम लोग फ़ोन वोन भी नहीं लेके जा सकते, पर इनकेस हाउ हम जमा वमा करके निकल गए, ये हेलमेट वेलमेट सब कुछ था। तो वहाँ जमा करके निकल गए मंदिर में, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। एक चीज़ अच्छा लगा आज कि यार दिन भर का प्रॉब्लम से खाली दर्शन एक चीज़ अच्छा हुआ, हम लोग मन में बहुत ज़्यादा ही खुशी आ गया। पर गाइस यहाँ भी एक ट्विस्ट है, सुनो आगे। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए, मिलन का गाड़ी में जो पंचर हवा था वो ठीक करा है। तो मैं क्या किया, वहाँ से बाईपास हम लोग को घूमना था, तो मैं सीधा जाके जैसे टर्न लिया, मिलन पीछे से आया, वो जैसा टर्न लिया सामने एक गाड़ी आ गया था, वो ब्रेक मार रहा, ब्रेक नहीं लग रहा है। अब और एक प्रॉब्लम नया क्रिएट हो गया कि मिलन का फ्रंट ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग वहीं रुक गए, तो ब्रेक करे कहाँ जाए, तो हमने कहा सीधा निकलते हैं कहीं ना कहीं दुकान मिल जाएगा। तो एक दुकान में गए, वो बोला कि तार कटा है ब्रेक का, तार लेके लगा दूंगा। तो हम लोग का दिमाग वही था कि तार कहाँ है, तार कहाँ है, तार कहाँ, वैसे ढूंढ के बहुत आगे निकल गए थे। एक दुकान में तार मिला, बगल में एक दुकान था, वो बोले तार ले लो यहाँ बन जाता है। तो हम लोग तार लेके गए बनाने, तार मैं ले लिया था, मिलन बोला कि बना देते हैं। वहाँ बनाने गए तो ये पता चलता है, तार जब मैं लेके गए लो भैया बना दो, तो बोलते हैं बाबू तार ना वापस कर दो, तार का जरूरत नहीं है, वो तो नीचे में प्रॉब्लम था, लगाया ठीक से नहीं था इसलिए ब्रेक नहीं लग रहा है, और जो तार कटा है वो पीछे बैकलाइट होता है उसका तार कटा है, ऐसा दिक्कत नहीं। ये भगवान क्या जुलूम है, मैं बोला यार क्या दिमाग खराब। तो फिर मैं सोचा यार अब ले तो लिया दूंगा कैसे, पर दुकानदार बहुत ही अच्छे थे, उनको जैसा दिया बोले गाड़ी ठीक है, तो बोला हाँ अंकल ठीक है बस कोई बात नहीं, बोल के पैसा रिटर्न दिया। हमने सोचा यार और कहीं देरी नहीं करते हैं, भाग के गाड़ी जल्दी जल्दी चलाओ, रूम पहुंचना है बस, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो अभी रूम आए, रूम आने के बाद आपको ये सब स्टोरी बोल रहा हूँ। तो आज का दिन कैसा गया आपको पता चल गया है,
तो प्लीज यार इतना तो कर रहे ना, थोड़ा सा शेयर तो बनता है वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो और थोड़ा स्टोरी लंबा लगा तो आई एम सॉरी, बहुत टाइम है ना। और क्या, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलन मिलन के लिए एक एक लाइक सब लोग मार देना, मेरे लिए बाद में कभी मार देना, मिलन की तरफ से मिलन के लिए एक लाइक जरूर बनता है। हाँ ये अंगूठा है, एक लाइक कर देना ठीक है। तो अभी अभी हो गया यार, जैसे मैं बता दिया हूँ सब कैसा दिन था, तो वैसे ही सिंपल एज यूजुअल खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है वो आपको कल पता चलेगा। तो ठीक है गाइस, है या फूड हंटर साइनिंग आउट फॉर नाउ, बाय। मन कर दे बाय।